प्लस का पॉपुलर शो शौर्य और अनोखी की कहानी अपनी लो टीआरपीज की वजह से ऑफ एयर जा चुका है। चैनल के टारगेट पर दो और शोज हैं, आपकी नजरों ने समझा और मेहंदी है रचने वाली। जहां आपकी नजरों ने समझा को लेकर काफी हद तक कंफर्म था कि ये ऑफ एयर जाएगा, वही मेहंदी है रचने वाली को लेकर कोई श्योरिटी नहीं थी। और अब हम आपको बता दें, फैंस के लिए एक गुड न्यूज सामने आई है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, मेहंदी है रचने वाली को सितंबर से 6 महीने का एक्सटेंशन मिल चुका है। जी हाँ, राघव और पल्लवी की जोड़ी अभी भी सभी को एंटरटेन करती नजर आएगी। हालांकि शो की जो ऑनलाइन पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन चैनल हमेशा टीआरपीज देखता है जो अच्छी नहीं आ रही है। चैनल का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब इस शो को ऑफर कर दे जब उनके पास कोई नया प्रोजेक्ट आएगा जो इस शो को रिप्लेस कर पाएगा। वहीं बात करें आपकी नजरों ने समझा की, तो इस शो के ऊपर तो पिछले काफी टाइम से तलवार लटक रही है। चैनल चाहता है कि प्राइम टाइम के अलावा भी जो अर्ली टाइम पे शोज आते हैं वो भी अच्छा परफॉर्म करें, जैसे कि उनके कॉम्पिटिटिव चैनल्स कर रहे हैं। लेकिन अगर वो टीआरपीज नहीं आ रही है तो चैनल बिल्कुल टाइम नहीं लगाएगा शो को ऑफर करने में, और ऐसा ही हो रहा है आपकी नजरों ने समझा के साथ। जहाँ के राइटर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स लाकर इस शो की जो टीआरपी है वो बढ़ाई जा सके। इवन मेन कैरेक्टर दर्श, जो कि देख नहीं सकते थे, उनकी आईसाइट भी वापस आ चुकी है, लेकिन टीआरपीज बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। इसके अलावा अदिति राठौर का एक नया कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ये सोचते हुए कि उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से शायद ये शो चल पड़े, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी के लिए आपकी नजरों ने समझा के पास बहुत ही कम टाइम है अपनी टीआरपीज बढ़ाने के लिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये शो ऑफ एयर जाएगा।